गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि सर पीएटी 2017 के भी क्वेश्चन सोल्व कराया जाए, तो चलिए हम रियल एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ ए एन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एल वेयर एल बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द सिक्वेंस एक्स एन एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। चलिए अब देखो, फर्स्ट कंडीशन बोल रही है कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर ऐसा है तो वो सीक्वेंस क्या होगी, एल को कन्वर्ज करेगी। अगर हम बोलें कि ये कन्वर्ज नहीं करेगी, इसका मतलब अपने को एक एग्जांपल क्रिएट करना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा जो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे, राइट। चलिए अगर हम ले एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, राइट, अर्थात एक्स एन एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, एन इज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी, ये अपनी सीक्वेंस है, राइट। देखो कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, अब ये देखो ये क्या आएगा, जब n इज इक्वल टू वन होगा तो माइनस वन, टू होगा तो वन, थ्री होगा तो माइनस वन, फोर होगा तो वन, ऐसे चलता जाएगा, राइट। दिस मीन्स इसका मॉडुलस कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस वन की पावर n दिस इक्वल टू वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ वन, मॉडुलस ऑफ वन लिख सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। वन ये कहाँ से है, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हमने एक्स एन बराबर ले लिया क्या, माइनस वन की पावर एन एंड एल इज इक्वल टू वन मान लिया, ठीक है। अब देखो ले सकते हैं क्योंकि कंडीशन अपनी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब देखो कन्वर्जन टू एल, क्या ये सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन, क्या ये वन को कन्वर्ज करती है, नहीं, क्या माइनस वन को कन्वर्ज करती है, नहीं, ये सीक्वेंस क्या है, ओसिलेटरी सीक्वेंस है, ओसिलेटरी सीक्वेंस है जो माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट करती है। दिस मीन्स ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, भगा दो इसको या डिस्कार्ड कर दो। ये देखो ये बोल रहा है इज कन्वर्जेंट बट नॉट टू एल, कन्वर्जेंट ही नहीं है भाई, हमारे को एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो कन्वर्ज नहीं करती है, इसको भी डिस्कार्ड कर दो। अब देखो ये बोल रहा है कन्वर्ज टू आइदर टू एल और माइनस एल, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी डिस्कार्ड हो गया, क्यों, हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस मिल गई जो कन्वर्ज ही नहीं करती है, तो प्लस एल और माइनस एल का तो सवाल ही नहीं है। अब देखो ये बोल रही है मे नॉट बी कन्वर्जेंट, देखो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो कन्वर्ज हो भी सकती है और कन्वर्ज नहीं भी हो सकती है, मे बी कन्वर्जेंट मे नॉट बी कन्वर्जेंट, राइट। लेकिन मे नॉट के लिए हमारे को एक एग्जाम्पल मिल गया, एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसके लिए इस टाइप की सिक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती है, तो ये हो गया मे नॉट बी कन्वर्जेंट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी वन बाई एक्स की पावर एन डी एक्स इज, अपने को एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है और पूछा है कि वो कन्वर्जेंट होगा तो कंडीशन कौन सी होगी, या क्या इस कंडीशन में डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा, राइट। यह क्वेश्चन किससे होगा, कोसी इंटीग्रल टेस्ट से। एक बार देखो ये कोसी इंटीग्रल टेस्ट है क्या, कोसीज इंटीग्रल टेस्ट, कोसी इंटीग्रल टेस्ट क्या बोलता है, अगर हमारे पास एफ ऑफ एन इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन सच दैट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू यू एन देन इंटीग्रेशन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन डी एन एंड सीरीज समीशन यू एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दिस मीन्स ये इंटीग्रेशन और ये सीरीज या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे, कहने का मतलब है अगर हम दिखा दें ये सीरीज कन्वर्ज करेगी तो मीन्स ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा,
अगर हम दिखा दें ये सीरीज डाइवर्स होगी तो ये इंटीग्रेशन डाइवर्स करेगा। अब देखो अपना यहाँ क्या है, इसको देखो x को n के स्थान पे मान लो, n x को n की तरह ट्रीट करो और n को p की तरह ट्रीट करो अपने। एक बार इसको देखो 1 to infinity 1/n(p)d, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ओड न लगे, डी एन ऐसे मान लिया हमने, राइट। n इज इक्वल टू पी एंड अक्ष के स्थान पे एक बार हमने ले लिया, अक्ष के स्थान पे ले लिया हमने n एंड n के स्थान पे ले लिया p, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला f ऑफ n dn बन गया, ये वाला क्या है f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n(p), ठीक है, f ऑफ n इज इक्वल टू 1/n(p), पॉजिटिव भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं आ तक, ठीक है। f ऑफ n इज इक्वल टू un, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं un इज इक्वल टू 1/n(p), राइट, पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन और ये सीरीज दोनों या तो साथ साथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्स करेंगे, राइट। तो सम्मीशन un क्या हो जाएगा अपना, सम्मीशन 1/n(p), n इज फ्रॉम 1 to infinity। ये सीरीज ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। और हमें क्या पता है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये किसके लिए कन्वर्ज करेगा, पी ग्रेटर देन 1 के लिए। और हमने पी क्या माना था, पी क्या माना था, एन, पी क्या माना था, एन माना था ना यहाँ। इसका मतलब एन ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये इंटीग्रेशन क्या होगा, कन्वर्जेंट, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट फॉर एन ग्रेटर देन 1। किसका यूज किया हमने, कोसी इंटीग्रल टेस्ट का। ये हम 1/x(n) से भी कर सकते थे, राइट, लेकिन हमने इसको ऐसे किया ताकि आप इसमें कंपेयर कर सको, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, राइट। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सीरीज n इज इक्वल टू 2 to infinity 1/n इंटू log ऑफ n टू द पावर p, वेयर p ग्रेटर देन 0। ये बोल रहा है कन्वर्जेंट, CGT मीन्स कन्वर्जेंट फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0, डाइवर्जेंट फॉर ऑल p ग्रेटर देन 0, कन्वर्जेंट फॉर p इक्वल टू 1 ओनली, कन्वर्जेंट फॉर ओनली फॉर ऑल p ग्रेटर देन 1, राइट। हमने 2018 वाले पेपर में भी इसका सॉल्यूशन किया था, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, यहाँ भी करा दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 times रिपीट हो चुका है, अब भी रिपीट हो सकता है, राइट। चलिए हमें क्या पता है, कोसी कंडेंसेशन टेस्ट, कोसी कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास f ऑफ n कोई सीरीज हो वेयर f ऑफ n क्या हो, पॉजिटिव एंड मोनोटोनिक पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो, तो सीरीज समीशन एफ एन और सीरीज f(a)n वेयर a ग्रेटर देन 1, ये दोनों सीरीज या तो एक साथ कन्वर्ज करेगी या एक साथ डाइवर्ज करेगी। कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एन अपना क्या होना चाहिए, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और एन के स्थान पे a^n रख दो, उसको a^n से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी कन्वर्जेंस चेक कर लो, उसके आधार पर इसको बता देंगे। ये देखिए यहाँ एफ ऑफ एन क्या है, 1/n log ऑफ n(p), एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देखो log ऑफ n का ग्राफ ऐसे, log ऑफ n, ये रहा n, n इज इक्वल टू 1 पे 0, 2 पर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब log की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, तो पूरी टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये कंडीशन लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये वाली सीरीज इस केस में कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। चलिए क्या आएगा, समीशन ए एन इंटू एन के स्थान पे ए की पावर एन, एन के स्थान पे ए की पावर एन, तो ए की पावर एन इंटू लॉग ऑफ ए की पावर एन की पावर पी। ये देखो क्या आ गया, ए की पावर एन लॉग ऑफ ए की पावर एन की पावर पी, दिस इक्वल टू समीशन, ये तो कैंसिल हो गया, वन अपॉन, ये देखो लॉग ऑफ ए की पावर एन, तो इसको ले सकते हैं एन लॉग ऑफ ए, एन लॉग ऑफ ए की पावर पी। सेम क्वेश्चन है, हमने 2018 में भी डिस्कस किया था, एन की पावर पी इंटू लॉग ऑफ ए की पावर पी, राइट। अब देखो ये सीरीज किस पे डिपेंड कर रही है, ये तो कोई कांस्टेंट राशि है, राइट। ये लो जी, एन इज इक्वल टू 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 इन्फिनिटी वन अपॉन लॉग ऑफ ए की पावर पी, वन अपॉन एन की पावर पी, और ये क्या है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, समीशन वन अपॉन एन की पावर पी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट फॉर पी, अभी भी बताया था कन्वर्जेंट फॉर पी ग्रेटर देन वन, डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू वन। दिस मीन्स ये सीरीज किसके लिए कन्वर्ज करेगी, पी ग्रेटर देन वन के लिए। दिस मीन्स अपना एफ ऑफ एन बोले तो ये वाला किसके लिए कन्वर्जेंट होगा, पी ग्रेटर देन वन के लिए। तो देखो कौन ऑप्शन राइट होगा, कन्वर्जेंट फॉर ऑल पी ग्रेटर देन वन, ये बोल रहा है कन्वर्जेंट फॉर पी इज इक्वल टू वन ओनली, ये तो नहीं है, पी इज इक्वल टू वन के लिए तो क्या होगा, डाइवर्जेंट, तो और से भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो तीन बार रिपीट हो चुका है, जो लॉग वाले क्वेश्चन आते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन, उसमें कोसी कंडेंसेशन टेस्ट आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो, उससे इजीली हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं लॉग वाले, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस भी सीरीज में लॉग ऑफ एन आपको दिख जाए उसको तुरंत सोल्व करने का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, अपने को फोर सीरीज गिवन है और बताना इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, नॉट कन्वर्जेंट पूछा है, अमूमन गलती करते हैं, नॉट कन्वर्जेंट होगा तो हम नॉट खा जाएंगे, कन्वर्जेंट देखते हैं, फर्स्ट वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, इसको क्लिक लगाते हैं। जिस भी क्वेश्चन में नॉट ट्रू आता है, नॉट ट्रू, नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कॉन्वेक्स, नॉट करेक्ट, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे वर्ड आते हैं उसमें अमूमन गारंटेड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, कन्वर्जेंट होता है, या कॉन्वेक्स होता है, या करेक्ट होता है। सिमिलरली यहाँ भी ये वाला कन्वर्जेंट होगा, देखना। फिर से बता रहा हूँ, नोट आता है तो नोट खा जाते हैं, कन्वर्जेंट चेक करते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन नोट खा जाता है, और ये वाला होता है। नोट ट्रू पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू मिलता है, नोट कन्वर्जेंट पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कन्वर्जेंट मिलता है, नोट कॉन्वेक्स पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन कॉन्वेक्स मिलता है, नोट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही मिलता है, 99%, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, बार बार नहीं बताऊंगा, इन बार बार बताना पड़ रहा है। फर्स्ट देखो क्या है, एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाई समीशन ए एन, सॉरी फैक्टोरियल एन, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन फैक्टोरियल एन इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, राइट। दिस इक्वल टू एन प्लस वन फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन इक्वल टू एन प्लस वन, राइट। लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन, क्या जाएगा, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एन प्लस वन दिस इक्वल टू इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन वन, राइट। तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, बिकॉज वो क्या बोलता है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बाई ए एन प्लस वन इक्वल टू एल, एल ग्रेटर देन वन है
तो कन्वर्जेंट, एंड एल लेस देन वन है तो डाइवर्जेंट, राइट। और एल इज इक्वल टू वन पे फेल होता है तो फर्स्ट अपना कन्वर्जेंट, तो ये डिस्कार्ड हो गया, क्यों, नॉट कन्वर्जेंट वाले से। इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है वन अपॉन वन बाई लॉग ऑफ एन का होल स्क्वायर। ए एन क्या है, वन बाई लॉग ऑफ एन का होल स्क्वायर, राइट। हमें क्या पता है, लॉग ऑफ एन प्लस वन इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ एन, देन इसका होल स्क्वायर भी इससे बड़ा होगा। दिस इंप्लाइज वन अपॉन लॉग ऑफ एन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन अपॉन लॉग ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या है, ए एन इज ग्रेटर देन ए एन प्लस वन, राइट। इंप्लाइज ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन वन, देन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन ये भी ग्रेटर देन वन ऑलवेज, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, उससे अभी डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अपन को क्या चाहिए, नॉट कन्वर्जेंट, ये भी डिस्कार्ड हो गया। इसको देखो, थर्ड वाले को देखो, क्या बोल रहा है, ए एन क्या है अपना, फोर की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। हमको एक चीज पता है, अगर समीशन ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो एक कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज क्या है, लिमिट ए एन मस्ट बी जीरो। इसका मतलब अगर किसी सीरीज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सीरीज कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, बिकॉज नेसेसरी कंडीशन है। तो इसका प्रूफ भी किया था हमने, राइट। चलिए ये देखो, ए वन क्या है, फोर बाई वन, ए टू क्या है, फोर बाई फोर स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, सोलह बाई टू एट, ए थ्री इक्वल टू फोर की पावर थ्री बाई फैक्टोरियल थ्री, सिक्सटी फोर बाई सिक्स, दिस इक्वल टू टेन पॉइंट सिक्स सिक्स, ए फोर इज इक्वल टू फोर की पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, दिस इक्वल टू बाई ट्वेंटी फोर, ये कितना आएगा, टेन पॉइंट समथिंग आएगा। कुल मिलाकर हमारा ए वन लेस देन ए टू लेस देन ए थ्री लेस देन ए फोर, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है और क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और पॉजिटिव टर्म सीरीज। देन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या जाएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीरीज है, तो लिमिट ए एन क्या जाएगा, इनफाइनाइट। दिस मीन्स नेसेसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो अपना ये क्या हो गया, डाइवर्जेंट, ये वाला नॉट कन्वर्जेंट, राइट। इसी प्रकार इसको हम कन्वर्जेंट दिखा सकते हैं, कैसे, साइन ऑफ वन बाई एन स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वन बाई एन स्क्वायर माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री एन की पावर सिक्स प्लस वन बाई फैक्टोरियल थ्री इंटू वन अपॉन एन की पावर फाइव, तो फाइव दोनों दस माइनस सो ऑन, वन बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन माइनस वन बाई फैक्टोरियल थ्री एन की पावर फोर एन की पावर एट माइनस सो ऑन चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, ये अगर ए एन है, अगर ये ए एन है हमारा, तो हम कुछ बी एन मान लेंगे, बी एन इज इक्वल टू वन बाई एन स्क्वायर, राइट। तो लिमिट ए एन बाई बी एन, एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन बाई बी एन करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी लिमिट क्या आएगी, वन माइनस वन वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू लिमिट
एन टेन टू इन्फिनिटी, वन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एन के पावर फोर एंड सो ऑन, राइट। दिस इक्वल टू वन, नॉन जीरो और फाइनाइट। तो अपना कंपेरिजन टेस्ट क्या बोलता है, अगर ए एन और बी एन दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इस प्रकार है कि लिमिट ए एन बाई बी एन फाइनाइट है, नॉन जीरो है, तो बोथ सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। लेकिन ये वाली तो बी एन, ये सीरीज तो अपनी कन्वर्ज करेगी किससे, हार्मोनिक सॉरी हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, इसलिए तो ये तो कन्वर्ज होगी फिर, तो ये वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्यों, नॉट कन्वर्जेंट चाहिए, ये वाला अपना ट्रू हो जाएगा। ये हमने थोड़ा एनालिसिस करके एक्सप्लेन करके पूरा का बताया है, ये ज़रूरी नहीं है आप शुरू से इससे स्टार्ट करो, जो आपको लगे कि ये डाइवर्जेंट हो सकता है, जो आपको लगे कि ये कन्वर्जेंट यार नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो सबसे पहले उसी को चेक कर लो, राइट, ताकि अपना काम जल्दी बन जाए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये है एक के साथ एक फ्री, एक खरीदो दूसरा फ्री मिलेगा, सेल लगी हुई है, एक आएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, देखना बोर्ड भरा हुआ लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, अपने को चेक करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, किसके लिए, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखो, ये सभी रीमान इंटीग्रेशन पर बोल रहा है कि एवरी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी। ये जो सैंपल लिखता हूँ आर ए बी, इसका मतलब रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। ठीक है, चलो मैं रीमान इंटीग्रल की तीन प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको, ये दोनों क्वेश्चन ही हो जाएंगे आपके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, या कंटिन्यूस या हैविंग काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी, या तो कंटिन्यूस हो या हैविंग काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी, दोनों केस में क्या होगा, फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, मतलब डिसकंटिन्यूस हो सकता है लेकिन जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होना चाहिए, काउंटेबल, दिस मीन्स अनकाउंटेबल कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो, एवरी बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज रीमान इंटीग्रेबल, डिसकंटिन्यूटी कितनी होना चाहिए, काउंटेबल मेनी, फाइनाइट है काउंटेबल है, इसका मतलब ये वाला ट्रू है, लेकिन हमको क्या पूछा है, फॉल्स, भगा दो इसको। सेकंड वाला, एवरी फंक्शन फॉर विच रीमान इंटीग्रेबल एग्जिस्ट इज कंटिन्यूस, कोई ज़रूरी नहीं कि जिसके लिए रीमान इंटीग्रेबल एग्जिस्ट करे वो कंटिन्यूस हो, यही देख लो, ये वाला फंक्शन डिफाइन है इस प्रकार से, देखो एग्जाम्पल भी इसी में मिल गया अपने को, ये कोई फंक्शन इस प्रकार डिफाइन है कि जब जीरो होगा वैल्यू तब तो देगा जीरो, अगर वैल्यू जीरो नहीं होगी तो क्या देगा, टू देगा, ये लाइन है y इज इक्वल टू टू, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट ओपन है, यहाँ जीरो पे वैल्यू क्या जा रही है, जीरो, और जीरो से आगे और जीरो से पीछे नेगेटिव एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस की ओर ये इसका ग्राफ बन रहा है, दिस मीन्स जीरो पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी कितनी है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो रीमान इंटीग्रेबल तो होगा, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तो होगा लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, एक्स बराबर जीरो पर नॉट कंटिन्यूस बट रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल क्यों, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल है या फाइनाइट है, तो ये वाला अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्यों, ये हमारे को एक फंक्शन ऐसा मिल गया जिसके लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये तो फॉल्स है, फॉल्स अपने को चाहिए, अपने को इसका आंसर मिल गया। इन दो को और डिस्कस कर लेते हैं, ये बोल रहा है एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए बी इज रीमान
इंटीग्रेबल बिल्कुल बराबर है, इसकी प्रॉपर्टी बोलती है ये वाला भगा दो, बहुत सही अपने को। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी इज रिमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ये भी इसकी प्रॉपर्टी से ट्री हो जाएगा, तो ये भी भाग जाएगा। इन तीनों प्रॉपर्टी को कंटेस्ट कर लो, रिमान इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आए तुरंत इनकी मदद से लग जाएगा। अब देखो ये तो हो गया, इसके साथ फ्री में ये मिल रहा है, ये अपना फोकट में मिल रहा है समझ लो। ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन माइनस वन टू वन टू आर इज डिफाइंड एन, इस प्रकार से इसको डिफाइन किया है, मैंने ग्राफ पहले ही बना दिया इसका, राइट। इसका ग्राफ क्या है देखो, ये इसका ग्राफ है, जो पॉइंट्स ऑफ ग्राफ है इसके वो हमने रेड से इंडिकेट किए हैं, राइट। तो देखने से क्या लग रहा है, जीरो पर तो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ये बोल रहा है एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये तो इनकरेक्ट हो गया, राइट। एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या एफ अपना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या? नहीं है, क्यों? यहाँ तक तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है, और यहाँ आने पर क्या हो रहा है, गिर रहा डायरेक्ट, फिर वापस ऊपर जा रहा है, कॉन्स्टेंट डिक्रीज हुआ फिर वापस इंक्रीज हुआ, इसका मतलब मोनोटोनिक तो नहीं हो सकता। बोल रहा है एफ डजेंट बिलोंग्स टू आर माइनस वन ए बी माइनस वन टू वन, ये तो इसी से हो गया दोनों। ये बोल रहा है एफ इज नॉट रिमान इंटीग्रेबल, लेकिन हमें क्या पता है, अगर काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी है तो फंक्शन क्या होगा, रिमान इंटीग्रेबल। यहाँ तो केवल एक पॉइंट मिल रहा है किसका, डिसकंटिन्यूटी का, काउंटेबल तो है ना, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? एप अपना रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से, तो बचा कौन, ये रीमान इंटीग्रेशन है भी, और इसका हमने काउंटर एग्जांपल भी यही चूज किया था, राइट। तो रीमान इंटीग्रेशन की तीन प्रॉपर्टी से रीमान के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये समझ लो। इसके साथ ये आपको फ्री फोकट का मिल रहा है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें जो कुछ मैं चीज़ बताऊंगा वो आपके आईआईटी जेम हो, डीयू हो, सीयू सीईटी हो, चाहे अपनी सीएसआईआर नेट हो, सब में काम आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन मैट्रिक्स स्पेसेस, अपने को ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, क्या पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट। देखना ये बोल रहा है आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज ओपन। पहले डी को दे लो, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन सेट, ये तो अगर फाइनाइट के लिए नहीं होगा तो आर्बिट्री के लिए तो ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। अपने को सेट ले लो, वन वन टू यूनियन टू थ्री यूनियन थ्री फोर यूनियन, ये चार सेट ले लो, सॉरी तीन सेट ले लो, वन टू थ्री, राइट। ये क्या क्लोज, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, इनका यूनियन क्या हुआ, वन टू फोर क्लोज सेट। तो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्या हुआ, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट क्लोज मिल गया, ये वाला ऑटोमेटिक भग गया, अपने को ट्रू चाहिए, ये फॉल्स है। अब देखो, अब चेक करेंगे कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज ओपन होता है या क्लोज होता है। हमने लिया ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन टू, तो इनका आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्या आएगा, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, दिस इक्वल टू वन टू इंटरसेक्शन वन बाई टू टू इंटरसेक्शन वन बाई थ्री टू एंड सो ऑन, क्या आएगा, वन टू, जो कि क्या आ गया, क्लोज, ओपन तो नहीं है, तो यह वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब इनको चेक करते हैं। अब देखो हमने लिया ए एन इज इक्वल टू वन बाई एन थ्री माइनस वन बाई एन, राइट। तो देखो ए वन क्या होगा, ए वन वन थ्री माइनस वन, तो वन टू। ए टू क्या होगा, वन बाई टू थ्री माइनस वन बाई टू, तो ये लो वन बाई टू, किधर हो गया, वन बाई टू इधर, ये वन बाई टू, ये कितना बचा, थ्री माइनस वन बाई टू, मीन्स
ये अपना 2.5, यहाँ अपना 3 है, फिर ए 3 1/3 ये अपना 0 है, ए 3 3 माइनस 1/3 तो 3 माइनस 1/3 ये रहा अपना 3 माइनस 1/3 तो 8/3। इस प्रकार जब हम n टेन टू इन्फाइनेट करेंगे, जब n अपना बहुत बड़ा होगा, n इज टू मच बड़ा, ठीक है, देन ये किसकी ओर जाएगा, व्हेन n टेन टू इन्फिनिटी देन a n टेन टू 0, 3, राइट। ये कभी भी 0, 3 को जाएगा नहीं, ये कभी भी 0, 3 को जाएगा नहीं, लेकिन ऐसे कंटेन करेगा, देखो ओपन। तो अगर हम लेंगे यूनियन ऑफ ए एन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1/n 3 माइनस 1/n। अगर क्लोज सेट का यूनियन लेते हैं, आर्बिट्री यूनियन, तो क्या मिलेगा हमारे को, ओपन 0, 3। इसका मतलब किसी भी ओपन सेट का हम आर्बिट्री यूनियन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं वो क्लोज हो, वो क्लोज हो भी सकता है और क्लोज नहीं भी हो सकता है। आप गारंटी नहीं ले सकते कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, देन आर्बिट्री यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्या आया हमारे पास, ओपन आ गया, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया बच्चा। जो ये तो थ्योरम आपने पढ़ी होगी, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। अब देखो मैं दो स्टेटमेंट और बता देता हूँ, ध्यान रखना, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन इज ओपन, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। जब ओपन का यूनियन होगा आर्बिट्री तो ओपन होगा, जब क्लोज का आर्बिट्री यूनियन होगा तो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन क्लोज सेट का जब हम फाइनाइट यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, क्लोज। दो और देखिए, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड, चारों को नोट कर लेना, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अगर फाइनाइट की जगह आर्बिट्री आ जाए, आर्बिट्री की जगह फाइनाइट आ जाए, तो वो स्टेटमेंट जरूरी नहीं ट्री हो, लेकिन ये चारों स्टेटमेंट ट्री होंगे। फिर से देख लो, अगर ओपन सेट है तो इनका आर्बिट्री यूनियन क्या होगा, ओपन, और फाइनाइट इंटरसेक्शन, ओपन सेट के लिए आर्बिट्री यूनियन ओपन होगा और फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होगा, क्लोज सेट के लिए फाइनाइट यूनियन क्लोज होगा और आर्बिट्री इंटरसेक्शन क्लोज होगा। इन चारों स्टेटमेंट को ध्यान में रखें, बहुत ही काम आएंगे, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नेट लेवल का क्वेश्चन है, नेट में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है। एफ इज फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, जी इज फंक्शन फ्रॉम वाई टू जेड, आर मैप्स, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। चलिए इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जी ओ एफ की बात चल रही है, राइट, तो एफ क्या होना चाहिए, 1, 1, जी क्या होना चाहिए, ऑन टू। अगर एफ 1, 1 है, जी ऑन टू है, तो जी ओ एफ क्या होगा, 1, 1 ऑन टू, राइट, ठीक है यहाँ तक। अब देखो एफ भी 1, 1 है, जी भी 1, 1 है, देन जी ओ एफ 1, 1 ऑन टू हो जाएगा, इस मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको भगा दो, अपने को क्या चाहिए, इनकरेक्ट, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, जी ओ एफ इज 1, 1 ऑन टू, जी ओ एफ क्या है, 1, 1 ऑन टू, अगर ये 1, 1 ऑन टू है, इसका मतलब एफ क्या होना चाहिए, 1, 1, यही बोल रहे हैं, एफ 1, 1 होना चाहिए, ठीक है, ये भी भगा दो, करेक्ट हो गया। जी ओ एफ इज 1, 1 ऑन टू इम्प्लाइज जी इज ऑन टू, जी ओ एफ 1, 1 ऑन टू है तो जी तो ऑन टू होना चाहिए, इसको भगा दो, बचा कौन ये, देखो अगर जी ओ एफ
वन 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 टू हो तो राइट साइड से शुरू करो, ये वाला वन वन होगा वन वन, ये वाला ओन टू होगा, जरूरी नहीं ये वाला ओन टू हो और जरूरी नहीं ये वाला वन वन हो। ये क्या बोल रहा है, ऐप ओन टू कोई जरूरी नहीं है, ऐप क्या होना चाहिए वन वन होना चाहिए लेकिन ओन टू होना जरूरी नहीं है। आप इतना सा याद रख लो, देखो जी ओ एफ जो राइट हैंड की ओर आएगा वन वन ओन टू, वन वन ओन टू, क्यों फंक्शन को इधर से स्टार्ट करते हैं, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, इधर से स्टार्ट करते हैं, ये वन वन होना चाहिए ये ओन टू होना चाहिए, उल्टा चलो वन वन होना चाहिए ओन टू, ये वन वन ओन टू है ये वन वन ये ओन टू। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए लीनियर अलजेब्रा में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको भी आप आसानी से लगा सकते हो। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी आर टू सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली देन नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मीन्स वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर एन ग्रेटर देन एम, एन क्या है एम से बड़ा है। दिस मीन्स अपना ये सेट है बी, इस सेट ए से बड़ा है, यही तो मतलब हुआ इसका। अब देखो क्या पूछ रहा है, इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव मीन्स वन वन फंक्शन, ये फॉर्मूले होते हैं देखो तो ध्यान से देखना इनको। अगर m इक्वल टू n है तो वन वन फंक्शन फैक्टोरियल n, ओन टू फंक्शन फैक्टोरियल n, तो वन वन ओन टू फंक्शन फैक्टोरियल n। अगर m ग्रेटर देन n है, m की वैल्यू या पहले इसको देख लो लेस देन वाले को, अगर m लेस देन n है, ये वाला इसे लेस देन है, देन ओन टू तो पॉसिबल नहीं है, अरे ऐसा फंक्शन थोड़ी होगा तो इसकी इमेज ये दे देगा, पॉसिबल नहीं है, तो ओन टू क्या आ गया जीरो, तो बाइजेक्टिव भी जीरो आ जाएंगे। वन वन कितने होंगे एन पी एन, वन वन एन पी एन, कई बार आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है एन सी एम फैक्टोरियल एम, इसको ऐसे भी लिखते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। तो अपना राइट तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन हो गई एम लेस देन एन के लिए, लेकिन ज़रूरी क्या यही है, ऐसा बोल दे कि एम एम ग्रेटर देन एन, तो वन वन कितने होंगे, तो वन वन जीरो हो जाएंगे, क्यों अगर ये बड़ा फंक्शन है, अगर ऐसा हो जाए एम ग्रेटर देन एन ऐसा हो जाए तो वन वन फंक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो वन वन जीरो हो जाएंगे। ओन टू कितने होंगे, एन की पावर एम माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर एन प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर एन माइनस एन सी थ्री एन माइनस थ्री की पावर एन, ऐसे चलता रहेगा, और बाइजेक्टिव मैप जीरो। इन तीन चीज़ को ध्यान रखो, बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, मोस्टली अमूमन क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन लगभग हर बार आता है, इस टेबल की मदद से आप वो क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ एफ एट फोर इक्वल टू फोर एंड वैल्यू ऑफ एफ डे ऑफ एक्स एट फोर इक्वल टू वन देन लिमिट एक्स टेंड टू फोर टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी। राइट, चलिए अगर हम इसकी एक्स इक्वल टू फोर लिमिट रखें तो क्या आएगा, देखो एक्स इक्वल टू फोर तो टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फोर टू माइनस टू जीरो, नोमिनेटर में क्या आएगा टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एप ऑफ फोर एंड एप ऑफ फोर इज फोर, दिस मीन्स क्या आएगा यहाँ टू माइनस टू जीरो बाई जीरो, मामला गड़बड़ा गया। क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, नोमिनेटर का नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर देंगे, तो क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड टू फोर, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस वन अपॉन टू रूट ऑफ एप ऑफ एक्स इंटू एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन, इसका डेरिवेटिव करेंगे इसका जीरो इसका माइनस वन बाई टू रूट एक्स। राइट, अब चार रखो एक्स बराबर फोर रखो क्या आएगा एफ डेस ऑफ फोर कितना वन, नोमिनेटर देखो कितना आएगा वन, माइनस बाहर है तो ये लो अपॉन टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना है फोर, टू एफ ऑफ एक्स मीन्स टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ फोर फोर अपॉन, यहाँ देखो
x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 4 माइनस का 1/4, तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, इसकी लिमिट क्या आई 1। ये तो अपना 12th लेवल का क्वेश्चन है, कुछ बड़ा उसमें कुछ गणित वणित नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये हो गया। तो इस प्रकार हमने जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन तो आपको सोल्व करा दिए हैं, डिस्कस करा दिए हैं, उसका एनालिसिस कर लिया है। एनालिसिस मीन्स अगर उसके अगल बगल और कोई क्वेश्चन आए तो ऑप्शन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में सोल्व किया जाएंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर BHU के एग्जाम तक केवल BHU के क्वेश्चन ही सोल्व कराया जाए, हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। जब तक BHU का एग्जाम नहीं होगा तब तक BHU के ही पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कराए जाएंगे, 2017 का 2016 का जितना भी पॉसिबल होगा हम BHU PET के पेपर ही सोल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच।